아니야. 어. जैसे इसमें लहसुन के बाद प्याज गया ना, वैसे पवाका वहां से निकला ऊपर। ये जा रहा ऊपर देसी घी। देसी घी, हाँ हाँ हाँ, क्या बात, क्या बात। हाँ, ये देसी घी। ये अभी राजमा में थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए डाला। ये अभी इसमें जाएगा कौली में। हाँ हाँ, ये आगे बोरा व्यूअर, ये व्यूअर खांदे हो गए सात बीस बिल्ला, नहीं तो मैं तो खा रहा हूँ। ये डायलॉग नहीं बोलना आप लोगों ने। हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है विक्की भारद्वाज। दोस्तों, आज मैं अपने खूबसूरत शहर पठानकोट में, पठानकोट के मलिकपुर चौक में एक ढाबे के ऊपर, मेरे पीछे देख रहे हैं एक लालजी शुद्ध वैष्णो ढाबा। और ये ढाबे के जो बड़े ही मस्त मस्त जो है ना व्यंजन, आपको आज चख के बताता हूँ वो कैसे बनते हैं और क्या है उनका टेस्ट। तो चलिए मेरे साथ। आपको सबसे पहले मैं लोकेशन अच्छी तरह से समझा दूँ। ये मेरे इस साइड पर ये है ना, जो ये को बोलते हैं छोटी नहर, और इस साइड पे अगर आप जाएंगे इस साइड पे ये मलिकपुर चौक, और मलिकपुर चौक के बिल्कुल सामने जो इस साइड पे है ना, ये है यहाँ पर सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट के बिल्कुल सामने जो है ना, ये है कौन सा ढाबा, लालजी शुद्ध वैष्णो ढाबा, ये इस साइड पे ये वाला। दोस्तों, इनके और भी व्यंजनों के साथ जो सबसे मशहूर जो कीड़े वाले राजमा, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में जो राजमा मिलते हैं ना, वो वाले वो इनके पूरे क्या मशहूर हैं, पूरे पंजाब में, पंजाब कह सकते हैं कि पूरे वो इनके मशहूर हैं पूरे पठानकोट में। तो चलो मैं आपको आज ना पीड़े वाले जो राजमा चावल बनते हैं ना, जहाँ राजमा बनते हैं वो कैसे बनते हैं और उनका कैसा जायका, मैं आपको बताता हूँ क्या टेस्ट करके। यहाँ पर अंदर शुभ जी लाल जो वैष्णो लाल जी शुभ वैष्णो ढाबा में आपको इनके पीड़े वाले चावल जो है वो टेस्ट करके बताता हूँ मैं, ठीक है? इनके पीड़े वाले जो राजमा वो टेस्ट करके बनाता हूँ। अभी आ चुका लालजी शुभ वैष्णो जो ढाबा, उनके जो पीड़े वाले जो राजमा बनते हैं उनकी रेसिपी देखने के लिए डायरेक्ट उनके किचन में। ये इनका किचन है, ये साइड पे ये किचन है, अंदर जो इनका डाइनिंग रूम है, यहाँ पे कह सकते हैं कि डाइनिंग हॉल। अंदर बैठ के जो है ये सारे जो इनके जो गेस्ट आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, वो अंदर बैठ के खाना खाते हैं, कुछ बाहर भी बैठ के खाते हैं, लेकिन मैं आ चुका सीधा इनके किचन में, किचन में एंट्री मार चुका। चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनते हैं पीड़े वाले चावल। और ये है यहाँ के शेफ भाई, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, कहाँ से आप? मैं धर्मशाला। धर्मशाला से? अच्छा, इन्होंने स्पेशल जो शेफ है ना वो भी स्पेशल चुना हुआ है। कहाँ से? धर्मशाला से। और कितनी देर हो गई यहाँ पे काम करते? मेरे को यहाँ हो गया एक साल। एक साल हो गया इसी यहाँ पठानकोट में जी। पठानकोट रास आ गया। इससे पहले क्या था, कहाँ थे? मैं पहले यहाँ था धर्मशाला में। धर्मशाला में लोकल में थे। अच्छा, पठानकोट में और नहीं कहीं काम किया, सीधा यहीं पे काम किया जी। अच्छा, तो भैया मुझे आज खाने हैं यहाँ पे पीड़े वाले चावल, जो स्पेशल जो जम्मू कश्मीर में बनते हैं वो वाले जी। सर चलो बनाओ फिर। सबसे पहले तो इनका लाइटर देखो कितना बड़ा, ये देखो ये लग चुके हैं। लहसुन, गार्लिक, गार्लिक। अच्छा, सबसे पहले गया इसमें लहसुन, ये गया इसमें गार्लिक। जैसे इसमें लहसुन के बाद प्याज गया ना, वैसे पवाका वहां से निकला ऊपर। ये जा रहा ऊपर देसी घी। देसी घी, हाँ हाँ हाँ, क्या बात, क्या बात। हाँ, ये देसी घी। देसी घी और लहसुन जैसे ही अंदर गया, तो वैसे एकदम से आग जो ऊपर को बढ़ती है, जो अंदर जो लहसुन और जो प्याज था ना, उसने आग पकड़ी है जैसे ही पैन के ऊपर आकर। वाह वाह, ये राजमा, ये जा रहे हैं असली वो राजमा। हाँ हाँ, वाह, ये है वो जम्मू के स्पेशल राजमा, जो बोलते हैं ना कि जम्मू कश्मीर के राजमा खाने हैं, ये है वो राजमा जो मोटे वाले राजमा आते हैं ना, ये ऊपर जा रहा नमक। हाँ, ये लाल मिर्च। हाँ,
गरम मसाला। ये क्या है? गरम मसाला। किचन किंग। किचन किंग। देगी मिर्च। इसमें सारे मसाले जो उन्होंने डाल दिए ना अभी एक एक करके जो है ना सारे मसाले मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें किचन किंग से लेकर जो नॉर्मल मसाले आते हैं वो सारे के सारे डाल दिए हैं। अभी ये अमूल बटर, ये यार अमूल का बटर। हाँ हाँ हाँ, ये क्या अमूल बटर। अब मेरे को आप कंप्लेन मत करना, इनका जो अमूल का बटर गया ना अब वो मेरे को कंप्लेन मत करना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता और फिर भी खा रहा है। लेकिन क्या आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आता हूँ और उसको कबूल करना उसको। हरा धनिया, ये जा रहा हरा धनिया। ये अभी राजमा में थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए डाला है, ये अभी इसमें जाएगा कॉली में। हाँ ये आगे बोरा और चम्मच देखो कितना बड़ा है। इस चम्मच से ये क्या पूरा डालते हैं वो सामान। ये देखो ये आ रहा बीच में देसी घी दोबारा ऊपर। ये है वो पीड़े वाले राजमा। वाह अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या खूबसूरत लग रहे हैं ना ये पीड़े वाले राजमा ऊपर। ये देखो हरी मिर्च ऊपर, ये ऊपर हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए। वाह ये देखो अमेजिंग अमेजिंग फ्रैगनेस जो इसके ना सीधी जो है ना सीधी दिमाग में जो है ना फ्रैगनेस अभी आ रही है। ये रहे, चलो मैं आपको ना ये अभी अंदर जाता हूँ, अंदर जाके आपको ना या अंदर जाऊँ या बाहर बैठ के इधर ना मैं आपको पूरी जो है ना इसकी फ्रैगनेस जो है ना फ्रैगनेस आप तक पहुँचाता हूँ। यानी कि इसकी रेसिपी तो मैंने आप तक पहुँचा दी है लेकिन इसकी फ्रैगनेस जो है ना यानी कि इसका जो टेस्ट है ना वो मैं आप तक डिलीवर करता हूँ बैठ के एक जगह आराम से। इसका जो है टेस्ट जो आप तक ना डिलीवर करता हूँ। ये रहा ये है यहाँ के साथ। थैंक यू सो मच यार। व्यूवर इस वक्त आ चुका हूँ मैं रेस्टोरेंट के इनसाइड में आप लोगों के लिए टेस्ट बताने के लिए। तो अभी अभी मेरे साथ ये ऑनर हैं इस रेस्टोरेंट के, तो ये भैया। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोहन लाल है, ये फालसाब के नाम से ही मैंने शुरू किया है। लाल जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ग्राहक का। हमने स्पेशलिटी ये लाई है कि पीड़ा राजमा चावल जो आप इतनी दूर जाके खाते थे वो भी आपके पठानकोट में आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक बार खाना जरूर ट्राई कीजिए। अच्छा जो पीड़े वाले राजमा ना ये बेसिकली जो इसका ओरिजिन ना ये जम्मू कश्मीर से, अगर कश्मीर के डोडा साइड से जाओ ना इसका जो ओरिजिन है ये उस साइड से है। जम्मू का राजमा और जो पंजाब का राजमा इसमें फ़र्क है। जम्मू का राजमा जो है बेसिकली जो है ना नरम होता और अगर देखा जाए तो उसका साइज़ भी बड़ा होता है, इसलिए इसको पीड़े वाला राजमा। पीड़ा जो एक जगह का नाम है जम्मू, वहाँ से इसका ओरिजिन है, जम्मू वहाँ से इसका ओरिजिन है, इसको बोलते हैं पीड़े वाले राजमा। तो ये अभी मेरे आ गए हैं इसमें प्लेट में, ये अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ये देखो सबसे पहले इसकी ग्रेवी देखो पहले कितनी थिक है। ये देखो ये देखो ये देखो पहले ग्रेवी और ये देखो इसकी जो ग्रेवी है ना ग्रेवी काफ़ी थिक है। जो राजमा जम्मू साइड या हमारे पंजाब साइड बनते हैं ना उन राजमा की जो ग्रेवी होती है ना थोड़ी सी ना लिक्विड सी है ना वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो उस साइड के होते हैं जम्मू में इनकी जो है ना वो थिक ग्रेवी होती है। रेसिपी मैंने आपको पहले बनते हुए पूरी दिखा दी है, अब मैं आप तक जो सिर्फ जो है इसका टेस्ट पहुँचाने वाला हूँ। चलो मैं आपको टेस्ट पूरा इसका आप तक ना टेस्ट पहुँचाता हूँ पहले। ये इसके साथ लेता हूँ मैं राजमा, ये देखो ये राजमा, ये स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग बिल्कुल जो ना मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल जो घर जैसा खाना जैसा तो ना वो एक टेक्सचर इसको रेस्टोरेंट का दिया हुआ। अब मैं आपको इसकी जो है ना एक प्रॉपर बाइट बना के, इसको मैं हमेशा ही बोलता हूँ क्या ऑप्टिमम बाइट, मैं आपको ऑप्टिमम बाइट बना के बताता हूँ इसकी। ये राजमा, ये तवा रोटी। अच्छा ये तवा रोटी है, जो नॉर्मल तंदूर की रोटी है ये तवा रोटी है। इसके ऊपर मैं डालता हूँ सलाद, इसके ऊपर मैं डालूँगा चटनी। ये है वो ऑप्टिमम बाइट। और व्यूवर हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक उर्दू का डायलॉग, व्यूवर खाते हो तो सत बिस्मिल्ला नहीं तो मैं तो खा रहा हूँ। ये आप नहीं खा रहे तो मैं खा रहा हूँ।
मंत्रमुग्ध हो जाएगा। अब आप लोग ना पठानकोट साहिब आओ ना, जब आप मलिकपुर से सीधा छोटी नहर पे आओगे ना, जैसे जो सेशन कोट है, सेशन कोट के सामने बिल्कुल है लालजी शुभ ढाबा। अच्छा ये रेस्टोरेंट जो है ना ढाबा है, लेकिन इसको रेस्टोरेंट का रूप जो है ना दिया हुआ है, यानी कि ढाबे को रेस्टोरेंट का अगर रूम मिल जाए ना, तो आपको बड़े रेस्टोरेंट है ना जो बड़े बड़े होटल हैं, मतलब कहने का कि वहाँ का रेट जो है और खाना आपको यहाँ लो प्राइस में मिल सकता है। ये नई चीज़ है, रेस्टोरेंट को ढाबे के रूप में चेंज कर दिया हुआ है, ये मैंने पहले नहीं देखा था। आपको प्रॉपर बैठने के लिए जगह मिलेगी, प्रॉपर खाने के लिए जगह मिलेगी, प्रॉपर आपको सर्विस मिलेगी। अच्छा तवे वाली रोटी के साथ तो मैंने आपको ना इसका पूरा टेस्ट बताया, लेकिन अगर आप तंदूर वाली रोटी के साथ जो है ना इसका टेस्ट देखना चाहते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ वो भी। चलो तवे वाली रोटी के से ज़्यादा जो है ना मज़ा ना तंदूर वाली रोटी के साथ खाने में। अच्छा रेस्टोरेंट में जो है ना आपको जब भी आओगे ना सेवा में आपको ये भैया मिलेंगे, ये भैया जो है ना गवर्नमेंट जॉब करते हैं और इसलिए ये सुबह आ जाते भाई, तो 2-3 बजे के बाद आते हैं ना, 3 बजे भैया आपको 3 बजे के बाद मिलेंगे, लेकिन उनके छोटे भाई ये हैं और ये आपको जो है ना मतलब सुबह फुल टाइम आपकी सर्विस में हैं। भाई की नाम क्या अपना? मेरा नाम विनोद। विनोद तुम सवेरे होंगे इतो? अच्छा जी रेस्टोरेंट की टाइमिंग है वो की है? टाइमिंग सवेरे 7 तो रात 12 बजे तक, 7 से लेकर रात 12 बजे तक है। अच्छा ये जो ढाबे जो है ना ये स्पेशली जो है ना ट्रक ड्राइवरों के लिए जो है ना कह सकते हैं कि पहले उनको जो घर से बाहर रहते थे ना उनको रोड पे जो है ना खाना अवेलेबल कराने का काम जो किया वो ढाबे वालों ने किया है, और जो अभी जो है ना रेस्टोरेंट का रूप जो दे दिया ना ये फैमिली वालों के लिए भी हो गया। ढाबे वालों के लिए जो था पहले ट्रक वालों के लिए था, अब फैमिली वालों के लिए भी हो गया। लेकिन इतना अच्छा जो सेटअप आप देख सकते हैं पीछे, ये मेरे ये पूरा फैमिली के लिए बैठने के लिए एयर कंडीशनर पूरा सेटअप है, तो आप एक बार जरूर यहाँ पे विज़िट करना, आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। चलो मैं आपके लिए है ना आपके लिए एक ऑप्टिमम जो बाइक बना पाए, ये तोड़ लेता रोटी, ये ऊपर राजमा, ये ऊपर सैलड और ये चटनी। कटोरी का साइज देखो, कोली का बिल्कुल आपके बच्चों के हाथ में आ जाएगी। व्यूअर ये व्यूअर खाते हो गए सत बिस्मिल्लाह, नहीं तो मैं तो खा रहा हूं, ये डायलॉग नहीं बोलना आप लोगों ने। मंत्र मुग्ध हो जाओगे एक बार खाना खा। व्यूअर ये थी पीड़े वाले राजमा जो है ना उसकी वीडियो, वीडियो आपको कैसी लगी? अब आई है मिर्ची मुंह में, अब आया मज़ा। पीड़े वाले राजमा की वीडियो, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना शेयर करना। आज तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय। मगर नहीं चली गाड़ी, अब आया मिर्ची का असली मजा। गैस की रेसिंग थी।